हेलो गाइस, आज हम सिविल इंजीनियरिंग के लीनियर मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए, सिविल इंजीनियरिंग में लीनियर मेजरमेंट मतलब आप लेंथ कैसे मेजर करते हो। वैसे तो कई तरीके हैं और आपने बेसिक जो देखा होगा टेप का यूज किया जाता है, लेकिन उससे पहले क्या यूज किया करते थे, जब तक हमारा टेप नहीं आया हुआ था तो पहले बेसिक हम एक तरीके से हिस्ट्री में थोड़ा सा देख के हम लोग को सीखना पड़ेगा। बेसिक जो हम पहले यूज करते थे वो हमारा चैन होता था, ठीक है। चैन को हम एज अ लेंथ मेजरमेंट टूल के लिए एक तरीके से यूज किया करते थे। अभी भी उसको हम पढ़ते हैं सर्वेइंग सब्जेक्ट में। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको सर्वेइंग में जो है आपको ये देखने को मिलेगा। तो चलिए, आज हम उसी के बारे में आपको बताएंगे कि चैन सर्वेइंग कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको चैन दिखा देना चाहता हूँ। जो चैन हम यूज करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए सिविल इंजीनियरिंग में या कंस्ट्रक्शन साइट पर, देखिए कोई भी अगर हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो सबसे पहले आपको सर्वे करना पड़ता है। सर्वे इन द सेंस, कोई भी आप कोई भी काम करते हो या कोई भी प्रोजेक्ट आप डालते हो तो आप सर्वे करते हो। तो उसी तरीके से सिविल इंजीनियरिंग में जो सर्वे होता है उसमें हम क्या क्या चीज़ें करते हैं, हम नेसेसरी जो डाटा होता है कंस्ट्रक्शन करने से पहले हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, उस पर क्या करते हैं एनालिसिस करते हैं उसका, कि ताकि हम किस तरीके से उस पर काम स्टार्ट कर सकते हैं उस साइट पर। तो यहाँ पर वही जो सर्वे का एक पार्ट है लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट में हम लेंथ को मेजर करते हैं, ठीक है। पूरे जो एरिया हमारा होता है उस वो एरिया मतलब जो हमारा जो साइट होगा उसका एरिया मेजरमेंट करते हैं, क्योंकि बेसिक जो एरिया होता है वो जरूरी नहीं है कोई बहुत सारे पॉलीगन्स हो सकते हैं। पॉलीगन्स मीन्स क्या होता है, उसका शेप और साइज अलग होता है, हम उसको एज अ पॉलीगन मानते हैं। तो उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमको पहले तो लीनियर मेजरमेंट करना ही पड़ेगा। और डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स होंगे उस लैंड पर या उस साइट पर जो कि एक दूसरे से समथिंग डिस्टेंस पर होंगे, तो उसको हम कैसे मेजर करेंगे। नॉर्मली हम लोग तो बहुत सारे डिजिटल आजकल इंस्ट्रूमेंट आते हैं उसका यूज करते हैं, लेकिन हम चैन सर्वे जो होता है पहले आप बेसिक समझ लीजिए कि पहले क्या यूज किया जाता था और अब क्या यूज किया जाता है। दोनों का डिफरेंस आप जानेंगे तब जा करके आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज हम चैन सर्वे बताते हैं आपको। बेसिकली जो चैन आता है आपका 20 मीटर और 30 मीटर का आता है, मींस 20 मीटर चैन आता है और 30 मीटर चैन आता है, ठीक है। तो हमारे पास जो वर्जन है वो हम आपको बता देते हैं। 30 मीटर का चैन है और हर 3 मीटर पर इस पर क्या लगे हुए हैं, टैग्स लगे हुए हैं। टैग्स मैं बताता हूँ क्या होगा अभी। तो ये जो चैन आपका होता है बेसिकली इस टाइप का होता है, मैं आपको चैन दिखा देना चाहता हूँ। ये चैन जो आपने नॉर्मल चैन आपने जो देखा होगा इससे थोड़ा सा अलग होता है ये। इसको मैं अभी ओपन करके आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। थोड़ा सा ये इसको ओपन करता हूँ मैं। थोड़ा सा इसी वजह से इन सब चीज़ों में ओपन करके मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो गाइज, हमने चैन को ओपन कर दिया है। तो यहाँ पर आपको ये हैंडल दिख रहा होगा, ठीक है। ये ब्रास का बना हुआ होता है और ये जो चैन आपका हो वो मैं 30 मीटर का जो चैन है उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 30 मीटर चैन में कैसा क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। आपके मैं यहाँ पर आपको कुछ टैग्स दिखाना चाहूँगा। टैग्स क्या होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जैसे ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से आपको मेजरमेंट इसको जहाँ से मेजर करना, मान लीजिए यहाँ इस पॉइंट से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस लेनी है तो आपको ऐसा रखना पड़ेगा इसको, मतलब ये भी आपका मेजरमेंट में आना चाहिए ये जो आपका हैंडल है। अब अगली चीज़ की मैं बात करता हूँ। ये आपको देख रहे हो, आपको कैसे पता चले, जैसे आप जो मीटर टेप यूज करते हो तो मीटर टेप में क्या होता है उसमें आपके हर एक, अगर आप मीटर वाला टेप यूज करो तो हर एक मीटर पर दिया होता है, लिखी होती है नंबर्स लिखे होते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है। तो ये आप उसका हैंडल है, मेजरमेंट हमेशा इधर ही से स्टार्ट होती है, ठीक है। इसको भी आप मेजरमेंट लेते समय इसको आप कंसिडर करोगे, इस हैंडल को भी, ठीक है। यहाँ पर कुछ टैग्स लगे हुए हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आप कि ये चैन कितनी लेंथ कैसी है। जैसे मान लीजिए ये आपका स्टार्ट हुआ, यहाँ पर ये जो पहला टैग आ रहा है, ये देखिए पहला टैग आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए, सिंगल ऐसे दिख रहा होगा ना, टैग इसको बोलते हैं, टैलीज बोलते हैं। अब यहाँ पर ये टैग है, सिंगल दिख रहा है, कट कोई कट नहीं है ना, सिंगल है। तो ये आपका जैसे ये जो हमारा 30 मीटर का, ये जो हमारा 30 मीटर का चैन है इस, ये मतलब ये यहाँ से आपका हैंडल से लेकर के ये 3 मीटर हो गए आपके, मतलब 3 मीटर पर ये पहला टैग लगा हुआ है। फिर आगे देखिए, आगे जाते जाएंगे ये दूसरा टैग हमको दिखेगा, यहाँ पर दो कट आपको दिखेंगे, ध्यान से देखिए, 2 मीटर पर 2 टैग कट हो जाते हैं। अगला देखिए, तीसरा टैग यहाँ पर जो हमारा है, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से आप, तो ये आपका 3 मतलब 3 आपको दिखेंगे, 1 2 3
तो यहाँ पर जो है ये आपका 9 मीटर हो गया चैन। इसी तरीके से यहाँ पर जो आपका है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4, 4 × 3 मतलब 12 मीटर। अगला जो है यहाँ पर आपको सर्कुलर टैग दिखेगा। सर्कुलर टैग मीन्स ये यहाँ पर आपका हाफ ऑफ लेंथ ऑफ योर चैन आ गया है, मतलब चैन का आधा जो लेंथ है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, मतलब 30 मीटर की चैन थी। तो ये जो सर्कुलर आपको टैग दिखेगा इसका मतलब ये 15 मीटर है बोथ साइड, मतलब दोनों साइड से आपको ये टैग जो है 15 मीटर पर मिल जाएगा। आगे चलते जाएंगे, मान लीजिए फिर ये देखिए ये 18 मीटर पर है। अब उधर से अगर हम आएंगे तो ये 12 मीटर मिलेगा दूसरी साइड से, अगर हम जो पहली साइड जिधर से आ रहे हैं उधर से आते जाएंगे तो ये 18 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे ही 4 कट हैं इधर भी, ठीक, मतलब उस साइड से 12 मीटर इस साइड से 18 मीटर, सेम ऐसे ही, फिर मतलब सिमेट्रिकल है। सर्कुलर जो टैग हमारा होता है ना, सर्कुलर टैग से बोथ साइड जो होता है चैन वो सिमेट्रिकल होता है। तो ये बेसिक मेरा कॉन्सेप्ट था आपको बताने का कि चैन कैसे रीड किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं, जब नई नई टेक्नोलॉजी आती गई तो इसमें कुछ इंप्रूवमेंट होते गए, जैसे आप नॉर्मल अब डिजिटल टेप आने लगे हुए हैं, नॉर्मल जो टेप आते हैं वो भी हैं, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कोई यूज करते हैं। जब तक ये सब नहीं थे तब तक हम इसी चैन का यूज करते थे, अब इसका चैन का यूज बहुत ही कम हो गया है, बहुत रेयर केस में इसको यूज किया था। तो गाइज मैंने अभी जो चैन आपको दिखाया, चलिए उसके कुछ डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं, इसको बेसिकली अभी यूज क्यों नहीं किया जाता। देखिए सबसे पहली बात तो काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट होता है ये, आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा भारी होता है, ठीक है ना। इसको किसी भी जगह पे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, जब देखो हमारे पास ऑप्शन नहीं था, टेप नहीं थे मेजरिंग टेप, तब हम लोग इसी को यूज करते थे, ठीक है ना। तब तक इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं था, जब तक कुछ नया नहीं आता तब हमारा जो जब से जैसे ही टेप आया अब वो हल्का होता है, हम कैसे आराम से मेजरमेंट कर लेते हैं, इसलिए उसको कोई भी समझ जाता है। ये थोड़ा हैवी वेट होता है, मेटेलिक होने की वजह से जो टेम्परेचर चेंजेस होते हैं अपने एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना, तो मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है आपको पता है कि जब टेम्परेचर राइज करता है तो उसकी लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है ना, और जैसे टेम्परेचर डाउन होता है मेटल की तो जो लेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है। सेम वैसा इसके साथ भी होता है, और इसकी लेंथ जो है इंक्रीज डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू द टेम्परेचर चेंज। और भी होती है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सर्कुलर रिंग्स आपको दिख रही होंगी, जो जॉइंट्स होते हैं सर्कुलर रिंग्स, इस रिंग अगर ये रिंग यूज करते करते क्या होता है, ये जो ओपनिंग होती है रिंग की, यहाँ पर आपको ध्यान से देखिए ये जो ओपनिंग होती है थोड़ा सा भी अगर स्ट्रेक मतलब ये अगर खुल जाता है, खुलने के बाद ये गैप आने लगता है, तो गैप से क्या होता है कि लेंथ आपकी इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह का हर एक पॉइंट पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सर्कुलर रिंग्स दिखी हुई हैं, तो अगर ये ओपनिंग ज़्यादा हो जाएंगी तो फिर लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये जो हमारी दिख रहा है इसको अगर ये कहीं से बेंड हो जाता है लगातार यूज करने की वजह से, तो क्या होगा, बेंड हो जाने की वजह से लेंथ जो है वो डिक्रीज हो, इसलिए मैं ये कहूँगा कि इसकी जो लेंथ होती है इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होती है, ठीक है ना। चैन की जो अगर हम चैन से जो मेजरमेंट लेते हैं, लेंथ मेजर करते हैं किसी भी आपके साइट का या किसी भी एरिया का, तो उसकी जो एक्यूरेसी की अगर मैं बात करूँ तो वो उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होती है, ठीक है, जितनी कि टेप से अगर हम मेजरमेंट करते हैं। तो चैन सर्विंग में बहुत सारे ऐसे टूल्स यूज किए जाते हैं, एक्स्ट्रा एक्सेसरीज जो यूज किए जाते हैं, जैसे हमारा एरो होता है, एरो को हम बेसिकली यूज करते हैं, जैसे हमारी जो चैन होती है उसकी एक लिमिट होती है, चैन होता है या तो 20 मीटर का होता है या तो 30 मीटर का चैन होता है, ठीक है। अगर 20 मीटर का चैन है तो एक बार में हम 20 मीटर का चैन मतलब 20 मीटर का लेंथ मेजर कर सकते हैं, जैसे ही हमारा 20 मीटर जहां पर पहुंचेगा हम ये अपने एरो को लगा देंगे, मतलब हमारा 20 मीटर, अब वहां से मैं चैन लेकर के आगे के साइड को हम मेजरमेंट लेंगे, फिर जहां पूरा वहां फिर एक नया एरो लगा देंगे, तो इसको जो एंडिंग पॉइंट होता है चैन का वहां पर हम इसको लगाते हैं। अगली चीज रेंजिंग रॉड यूज किया जाता है, आपको दिखा देते हैं। रेंजिंग रॉड बेसिकली स्ट्रेट हम चैनिंग कर सकें इस वजह से यूज करते हैं ना, ठीक है। रेंजिंग रॉड इसको थोड़ा उसमें इसमें तो नहीं लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास रेंजिंग रॉड होता है, ठीक है। इसको हम अपने अर्थ में इसमें क्या करते हैं, इसको अर्थ में पेनिट्रेट कर देते हैं, ये क्या हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है, खड़ा हो जाता है, ठीक है। अब इससे हम स्ट्रेट लाइन की मेजरमेंट ले सकते हैं, इसको यूज करते हैं, ठीक है। बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन को देखने के लिए कम से कम 3 पॉइंट्स पर हमको रेंजिंग रॉड लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो और भी काफ़ी सारे ऐसे सीरीज होते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा, और चैन सर्विंग कैसे करते हैं वो भी मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। आगे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा,
और बाकी की वीडियोज़ अगर देखना है तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।